सिंघाड़ा ऐसा होता है जिंदगी में एक और ये क्या है? वाह वाह, ओए होए होए, भैया कहाँ ढूंढेंगे आपको? No. भाई हाथ ला देना, ये क्या चीज है? वे कौन है भाई? बच गए यार, ये नया वर्ड सीखा है आज। वाह, सर्विस देखिए विद इन 5 सेकंड। या इसमें बंदा खाता जाता है, खुद तोड़ो, आधी टूट रही है आधी गिर रही है, जायका भी बेकार होता है एक तरह। और ये क्या है? लीची, तार, गुलाव, ये भी पता नहीं क्या है। पता नहीं भाई क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। क्रॉफर्ड मार्केट में वो चीज जो कभी देखी भी नहीं थी, 2 चीजें खा दी हम। एक प्लेट 50 के, इसमें 4 आते। एक जो है वो 20 का दे दो, नहीं देते। 30 का दे दो, नहीं देते। कहाँ है दिखाएं जरा। पकौड़े खा रहे हैं भाई क्रॉफर्ड मार्केट के। वाह, पकौड़ों की जान ये। वाह, ठीक है, 2 इतने सस्ते। तो दोस्तों, जैसे आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम मुंबई की सैर कर रहे थे और हम एक क्रॉफर्ड मार्केट में गए थे, तो उसके आपने थोड़ी सी वीडियो देखी थी। इस व्लॉग में हम आपको क्रॉफर्ड मार्केट का, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बाज़ार है मुंबई का, उसका विज़िट करवाएंगे और कंप्लीट विज़िट करेंगे और यहाँ की डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करेंगे, स्ट्रीट फूड। तो होप आपको ये वीडियो एंजॉय करेंगे। और मीनवाइल मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोज़ देखते रहें। क्या काट रहे हैं? अच्छा, काट के रखा। हाँ हाँ हाँ, ये काट के ऐसे रख रहे हैं। अच्छा, इसके एजेस काट रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और ये क्या है? करोंदा। हाँ हाँ, खाया था एक दिन। और ये क्या चीज़ है? ओ भाई, ये नई चीज़ मिल गई, सिंघाड़ा। ऐसा होता है? वो तो काला होता है यार, ये वाला कभी नहीं खाया मैंने। देना था थोड़ा सा काट के। वाह भाई, अभी तक सिंघाड़े खाए थे काले, ये है हरा सिंघाड़ा। मीठा मीठा सा है, थोड़ा नमक डाल के भी देते हैं। काला नमक होता है हमारे वहाँ, काला नमक डाल के मिलता है। इतने से दें जरा, थोड़े से काट के दें। किस तरह है ये? 40 का पाव। बड़ी भाई यूनिक सी चीज़ है ये, देखो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाह, पत्ते पे डाल के। भाई 2 पीस लिए। ये काला नमक है। थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन डेफिनेटली भाई जिसने नहीं ट्राई किया, ट्राई करना चाहिए आपको। मज़ा आ गया, थैंक यू भैया। हाँ, मेरा खुद का। वो तो फिर तो अभी अच्छा है। आपकी अदा ये मुझे भा गई है, जिंदगी में एक और खुशी छा गई है। रहता था मैं तन्हा अकेला, खुश नसीब है तू मुझे पा गई है। वाह वाह यार, हरा सिंघाड़ा वाकई बड़ा मज़े का था। मीठा था, मैंने खाए हुए सिंघाड़े, लेकिन काले खाए हैं और वो बहुत मज़े के होते हैं, नो डाउट। लेकिन ये बहुत फिट था हरा वाला। ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा, इसे पानी जो है वो फिल्टर है, सोडा है। यार ये नहीं समझ आती, सोडे में पानी डलता है, वो कहते नहीं पानी होता ही नहीं है इसमें। और ये क्या है? जलजीरा। ट्राई करते हैं, एक दो जरा। नींबू वाला भी है, नींबू वाला बनाए जरा सोडा। वाह, थोड़ी वही बर्फ कम आधी कर दो यार। मीठा बनाओ, खारा दरमियाना सा बना दे। कितनी पुरानी है आपका? कब से लगा रहे हैं? 5-6 साल से हैं। काला नमक डाला है। ये क्या है? ओ भाई, ये तो लेवल ही अलग है। वाह वाह, ये यार देखो, कलर देखो, ये ऐसा लग रहा है तो मसाले डाले में इसमें बहुत ज़्यादा। वाह, यार बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। ओए होए होए, क्या कहते हैं इसे? ये सोडा तो मैंने भी पिया है, ये कोई अलग ही चीज़ है यार। इसमें ये क्या डाला है आपने? जलजीरा डाला है, मसाला डाला है। यार ये नेक्स्ट लेवल की गेम है भाई, ये आराम से आप पी सकते हैं 2-3 दफा। जबरदस्त, हाईली रिकमेंडेड। कितने का है? 30 रुपए का है। पेट के लिए भी बहुत फिट है। बस ये ख्याल रखें कि हाइजीन का ख्याल हो वहाँ पे। और आज इंडिया में मुंबई में लास्ट दिन है मेरा। डेट वेट ठीक रहा है बस, पक्का है भैया, कहाँ ढूंढेंगे आपको। थैंक यू सर भाई, बहुत ही मज़ेदार, थैंक यू भैया, हाथ से ला देना भाई। ये क्या है? वाइट सैंडविच, ये क्या चीज़ है? ये भाई साहब है ही नहीं, क्या बेच रहे हैं? ये ब्रेड पड़ी है, कोई मसाले हैं, चूल्हा जल रहा है, गैस ज़ाया हो रही है। कहाँ पे गए भैया, धंधा छोड़ के कहाँ निकल गए हो? क्या चीज़ है ये? सैंडविच है, और ये तो ज़ाया हो रहा है, ये गैस ज़ाया हो रही है। बंद करके चालू करेंगे तो ज़्यादा जाएगा। अच्छा, कौन सा सैंडविच है? मसाला है, चीज़ है, पेरी पेरी है। अच्छा, ये मसाला डाल दोगे, चीज़ डाल दोगे? नहीं, मसाला ये। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अगर पेट में गुंजाइश रही ना, वापसी पे आते हैं, अगर पेट में जगह रही तो खाते हैं ज़रूर आपसे। बड़ा ज़बरदस्त यार, ये देखो चीज़ और ये पड़ा हुआ है भाई, ये चीज़ है, बटर है, ये चटनी है, और ये दिखाना जरा मसाला। अरे लेवल है भाई, लेवल है। और ये आग जल रही है, इसमें नज़र नहीं आ रही लेकिन आग जल रही है, शायद यहाँ से आ जाए, नहीं आ रही। थैंक यू सर। तो भाई बड़ी हैपनिंग प्लेस है, बड़ी हैपनिंग मार्केट है, मज़ा आ रहा है। ऐसी मार्केटें पाकिस्तान में फिरते थे हम, कराची में सदर बाज़ार है, लाहौर में नारकली है, काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है। बहुत मज़ा, बहुत अरसे बाद इस तरह की मार्केट में आया हूँ। दिल्ली में गया था मैं, लेकिन ये ज़रा एक अलग लेवल की है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, असल नंबर इनके हैं, ये देखें ना, पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, और पतली पतली गलियाँ हैं, ये देखें इस तरह, बहुत ही अनलिमिटेड एक भूल भुलैयाँ निकल रही हैं हर जगह पर। तो ये कपड़े वाली गली है, ये कपड़े वाली। अच्छा, तो ये देखें, कोई कपड़े वाली है, कोई बुक्स वाली है। तो भैया यहाँ से तीन रस्ते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक वापसी का है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं, या तो फिर हम किसी से पूछ लेते हैं या टॉस कर लेते हैं, यही है। तो भाई ये देखें, कोने पे भाई हमें नज़र आए हैं, ये आवाज़ें लगाते हुए जा रहे हैं। वाह यार, सूजी वाले भी हैं, सूजी वाले, वाह वाह, पूरा माहौल है यार। तीन चार बंदे हैं, ये छोटी सी जगह है, तीन चार बंदों का काम है ये। चले ट्राई करते हैं ज़रा, अब यहाँ आ ही गए एक दफ़ा। ओबे कौन है भाई, बच गए। कब से आ रहे हैं? ये मशहूर फेमस है या बस ऐसे ही है, चलते फिरते हैं? चलते फिरते हैं यार, ये नया वर्ड सीखा है आज। यानी ये होता है फेमस है या ऐसे ही है, ये भाई ने बताया कि चलते फिरते वाला है। जबरदस्त, आते रहते हैं आप यहाँ पे? अच्छा, मार्केट के बीच, यानी कि कोई अगर बहुत फेमस ना हो और नीचे भी ना हो तो आप उसको कह सकते हैं चलते फिरते हैं। भैया वो रवा वाला देना ज़रा, क्या कह रहे हैं? वाह वाह, सर्विस देखिए, विद इन 5 सेकेंड। ये सूजी वाले हैं ना यार, गेम इनकी है। ये देखो पूल भरे में, ये मीठा देना, मीठा मीठा वाला, ये मीठा वाला मुझे पसंद है भाई ज़्यादा। ये चटनियाँ बहुत अच्छी होती हैं। यार ये ना, मैं क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस हमने कभी किया नहीं इस तरह। या इसमें बंदा खाता जाता है 10-12 खाना, तो आप समझ लें मजाक है, मजाक। देखो मैं 1-2 खाने आया था, 6 खा गया हूँ, दिल कर रहा है और खाऊँ। तो भाई बहुत ही मज़ेदार पानी पूरी का 1-2 चखते खाते खाते 6 खा गया, और दिल कर रहा था और 6-7 खा जाओ। ये यार ये लेवल मैं आपको बताऊँ ना, ये जो यहाँ पे खाने का है ना, कि जो 7-7 डाल के देते हैं, हमारे नहीं मांगे सर। मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में किसी को भी कि वो इस तरह कटोरिया पकड़ के रखो और खाएँ। वो एक प्लेट ला के रख देते हैं, खुद तोड़ो, आधी टूट रही है, आधी गिर रही है, और खैर उसको तो छोड़ो, जायका भी बेकार होता है एक तरह। यहाँ पे आप कहीं से भी खा लो इंडिया में, चाहे मैंने बेंगलोर से खाई हो, दिल्ली में तो खैर वो नेक्स्ट ही लेवल की गेमें थी, तो छोड़ दें आप। लेकिन मुंबई में भी बहुत अच्छी है। ये शादी वादी के लिए, किसके लिए? घर पे लगाने के लिए। अच्छा, घर डेकोरेशन है, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह बहुत अच्छा भाई, अच्छा लग रहा है। ये भी डेकोरेशन की शॉप है, ये देखें, ये लंबे लंबे से लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी टाइमिंग होती है इनकी ना, मतलब आप वो देखें, वो देखो, वो देखो, वो देखें, ये देखें कहाँ से, टांगों के बीच में से, ये देखें, एक एक इंच का उन्हें आइडिया होता है। यार ये बच्चों के जो टॉयज़ है ना यहाँ पे, नेक्स्ट ही लेवल के हैं यार, बहुत ही सस्ते हैं। ये कितनी बड़ी ये कार है, कितने की है? कौन सा? कोई भी कार, वो वाली कितने की है? ये वाली, हाँ कितनी बड़ी है यार, ये कितने की है? ये वाला 1150। फाइनल क्या हो जाएगा? ले लो, कम करके दे देगा। और ये वाला? ये वाला 450 का, ये भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों के खिलौने, और ये बीचों बीच हम आ गए हैं चौक से, देख सकते हैं। वो खाने वाले बैठे हैं, चलते हैं ज़रा अपने मतलब की चीज़ पे। खाने के यहाँ ना ऐसा कोई बहुत फेमस चीज़ जगह नहीं है क्रॉफर्ड मार्केट में, लेकिन यह है कि जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, कुछ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि मैं देखा खाने के लिए ये फेमस नहीं है, और तो जहाँ अभी मैं आया हूँ इसको खाओ गली ये कह रहे, लेकिन हैं खाने की जगह, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑप्शंस कम है। ये देखो भैया ये क्या है, ये क्या चीज़ है, हैं ये क्या है? तार गुलाव है ये भी पता नहीं क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? जंगल जलेबी। जंगल जलेबी खाते हैं इसको, दिखाओ जरा एक। ये खाते हैं वाइट वाला, अंदर खाते हैं छील के, क्या खाते हैं अंदर वाला पूरा खा जाए। अच्छा बीज है वो। भाई ये पहली दफ़ा एक चीज़ देखी है जंगल जलेबी, ये इस तरह की है, कोई मटर से लग रहे हैं वाइट कलर के, और अब पता नहीं ये खाते हैं, वो कह रहा है ये खाते हैं, ये खा के देखते हैं, ये खाते हैं। ये क्या फल है, सब्जी है, क्या है? फल है, इसको छील के देखते हैं। अच्छा ये बीज आपने निकालना है, ये देखें ये बीज काला वाला, और ये जंगल जलेबी। यार मटर से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, मटर से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है जायका, है ना। किस तरह, कितने रुपए क्या है पाव? और ये क्या है, लीची? तार 50 का 4, क्या चीज़ है? तार गोला, पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं, देना भाई जरा। 10 का 1 है तार गोला। पहली दफ़ा खाने लगे भी तार गोला, वो भी पहली दफ़ा खाई है, ये देखी भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। लीची टाइप कोई चीज़ लग रही है। हाँ भाई ऐसा होता है, इसका छील के अंदर से ऐसी निकलती है, ये होता है। नारियल का लग रहा है ना, ये नारियल ही है, नारियल जैसा रहता है। हाँ अच्छा, वाकई मुझे कोकोनट का आ रहा है इसमें, हल्का हल्का ना कोकोनट का, ये है वो कोकोनट मलाई नहीं होती जो क्रीम, उस टाइप से हल्का हल्का मिल रहा है। वो भी कुछ कह रहे हैं नारियल से कोई उसका ताल्लुक है कोई। बड़ा भाई क्रॉफर्ड मार्केट में वो चीज़ जो कभी देखी भी नहीं थी, दो चीज़ें खा दी हमने, क्या बात है। ये भाई कुछ लोगों ने ये लगाया भाई गरम ये वाला, ये इसकी रीज़न नहीं पता, पूछते हैं। अच्छा इन्होंने रेडी रखे हुए ऐसे, क्या बात है। ये क्यों लगाया हुआ है? खुशबू के लिए? हाँ अच्छा, मक्खियों के लिए, सही है सही है। ये पापड़ है, ये क्या बड़ा पाव है भैया? क्या है? कितने का है? 50 रुपये प्लेट है, 4 भी। एक खा के देखना है यार कितने, नहीं एक खा के देखना, तो एक दिखा दो ना, पैसे दे देना, हाफ प्लेट दे दो, एक ही एक खाना है बाकी। ये क्या है? अच्छा अच्छा सही है। तो 1 50 का है, तो सॉरी 1 प्लेट 50 के, जिसमें 4 आते हैं, तो एक जो है वो 20 का दे दो, नहीं देते। 30 का दे दो, नहीं देते। इसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आई, या तो कोई काउंटिंग हुई हो, कोई हिसाब किताब हो, वो भी नहीं है, समझ से बाहर है, क्या है, छोड़ ही दिया मैंने। ये देखें ये क्या है भाई, वाह ये चीज़ मुझे पसंद है, मसाला रबड़ी मिल्क फ्रूट सैलड। रबड़ी मिल्क कहाँ है, कहाँ है दिखाएं ज़रा, ये किस में देंगे, कितने का है? 100 का फुल। हाफ मिल जाएगा? हाफ 50 का, हाफ दे दे। ये देखें भाई साहब हाफ दे रहे हैं, ये होती है बात यार, वो हाफ नहीं दे रहे, वो जो गोले हैं, वो जो गोले पड़े हुए हैं, क्या चीज़ है वो, क्या कहते हैं उसे ये? हाँ 1 पीस नहीं दे रहे, 2 पीस नहीं दे रहे, यही है, यही है ना खाओ गली। वाह 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 वाह, ये मेरा है, किससे खाना है ये, चमचे से? हाँ दे दे। तो भैया रबड़ी ली है हमने, रबड़ी वैसे बड़ी पसंद है मुझे, देखते हैं खाओ गली क्रॉफर्ड मार्केट की रबड़ी कैसी है। ये मसाला रबड़ी है, सादा भी होती है, फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है सेठ, टेस्ट अलग अलग मिलेगा आपको। यार ये बहुत बढ़िया है, ये गाय के दूध की बनी, भैंस के दूध की, भैंस का दूध, भैंस का है। ये देखें आप इसमें, इसमें चंक्स से हैं, आई थिंक यही मसाला है, ये चंक्स से नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये देखें बहुत ही लेवल की रबड़ी है यार। ओए गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, साथ ठंडी ठंडी रबड़ी खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बूढ़े यार क्या नाम है इनका, सोमनाथ मसाला मिल्क सेंटर, ज़बरदस्त। पीछे भाई रॉन्ग वे वाली गाड़ियों के चलान हो रहे हैं। अब मुझे समझ आइए ट्रैफिक क्यों इतनी सीध में जा रही है कि वन वे स्ट्रीट है और पुलिस वाले फाइन कर रहे हैं, उनके हाथ में ही वो चलान है, सारा डिजिटल है ये, ज़बरदस्त। ये भाई चलान हो रहा है, देखो क्या हुआ, इंडिया का चलान भी दिखा दिया आपको। किस चीज़ के हैं भैया, किस चीज़ के हैं पकौड़े? आलू है, प्याज है। भैया एक एक देना, पकौड़े खा रहे हैं भाई, क्रॉफर्ड मार्केट के। वाह, ये आलू प्याज, ये क्या है? ये पालक है। पकौड़े मेरे वैसे ही बड़े फेवरेट हैं, तो देखते हैं क्रॉफर्ड मार्केट के मुंबई के पकौड़ों में भी अपना नाम कर दें इन्होंने। बड़ा ये देखें फ्राइड अनियन और ये मसाला डाला है इन्होंने। आहा हा हा हा, क्या बात है, शुद्ध आते हैं। ये वाले आलू प्याज वाले हैं, छोटे छोटे आलू काट के प्याज करके मिक्स करके। दौड़ा ये पालक वाले हैं, पालक वाले तो बहुत फिट होते हैं यार, इसको मसाले से लगाते हैं, बहुत क्रिस्पी और फ्रेश है। और अब पकौड़ों की जान, काली आलू वाले। वो हो मुंबई के पकौड़े, क्या बात है, मज़ा आ गया। है भाई आप भी खाते हैं? हाँ नहीं खाते? अच्छा, मज़ा आ गया। तो भाई छोटे से ट्रिप में हमने खाओ गली की काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी, सॉरी क्रॉफर्ड मार्केट की, क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर है ये खाओ गली। और ये भी कोई चीज़ है यार, मैं समझ रहा था बस इनफ हो गई है। वाह, ये क्या चीज़ है अभी? छोले पूरी बस ख़त्म हो गई है ना, मैं बोलूं के बताने के लिए एक भी नहीं बची। पूरी कहाँ है? पूरी वहाँ है। कितने की है? नहीं एक चाहिए, एक पूरी दे दो। अब इतना इतना सा चखना है थोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा है ना, आधा डालो वापस, आधा वापस डालो। और ये भी वही है, ये अलग है? ये दाल ख़त्म हो गई है। चलो ठीक है, दो दे दो। ये भाई छोले पूरी लास्ट इनका रह गया है, घर जा रहे थे, दो पूरियाँ बच गई हैं। लेकिन ये अच्छा फ्रेश थी, सुबह से बनी हुई है। कब बनाई है? दो घंटे हो गए? नहीं 2 घंटे तो ठीक रहती है ना, मैंने वैसे ही बोला। ये है वैसे 1.5-2 घंटे पुरानी। ये पूरी खाते हैं। ये सब्जी है, छोले हैं? सब्जी है, छोले सब्जी। वाह हाँ भैया, सही है। अच्छा, मैं तो पहली दफा खा रहा हूँ ये। आप तो खाते रहते हैं? तो खाते रहते हैं। उस हिसाब से अच्छी है। आप यहाँ के हैं, मार्केट के हैं? अगर ये भाई कह रहे हैं अच्छी है तो फिर अच्छी है मुझे, लेकिन दरमियानी सी लग रही है। क्या नाम है? हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई है? नहीं जायके की तो हैबिट नहीं हुई ना, जायके में तो बता सकते हैं ना अच्छा कौन सा है बुरा। जैसा कहीं का वड़ा पाव अच्छा होता है, कहीं का बहुत अच्छा होता है। एवरेज है ये मेरी वाली बात कर दी, एवरेज है ना। ये देखो भाई क्या क्लोज, वो देखो भाई भाई, हाथ तो हिला दो। आप ये भाई कोई क्या चीज़ है भैया? लस्सी? हाँ लस्सी है, छाछ है, मिर्ची है। अच्छा, सबसे फेमस क्या है? छाछ। छाछ देना ज़रा, क्या चीज़ है? क्या मिल्क की होती है? ये नमकीन है? हैं? जीरा मसाला। अच्छा ये वो है, नहीं मीठी चीज़ है। और क्या है? लस्सी देना भैया। गर्मी का तोड़ लस्सी, हीट बीटर पीछे लिखा हुआ है। देखते हैं इनकी, एक तो नमकीन है वो नहीं पी रहे हम, मीठी वाली फेमस है। आय हाय हाय, क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये देखें ऊपर दही कैसे चिपकी हुई है। और ये वाह, अच्छा स्पून से भी है, स्पून देना भैया। वाह, ये यार क्वालिटी तो है ऐसा जी, क्वालिटी है ना, बड़ी परफेक्ट ठंडी है और मीठी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन तो कहते हैं रीज़नेबल, खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऐसी है कि पी भी सकते हैं और चमचे से ये देखें खा भी सकते हैं। टू गुड भाई, ये डेफिनेटली ब्रांड बन गया है इनका, जो पुरानी दुकान है, बहुत फिट है। कितने का ये? 350। 150 200 का होगा। 250। भाई जब हम आए थे थोड़ी धूप ज़्यादा थी तो रश इतना नहीं था, अब तो भाई चलने की जगह नहीं है। देख लो चलने की जगह नहीं है, तो देखो क्या हाल हुआ हुआ है। तो भाई ये था एक छोटा सा ट्रिप हमारा क्रॉफर्ड मार्केट का, मुंबई में डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, बड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया एक बड़ी हिस्टोरिकल सी मार्केट में फिर के। तो ऐसे ही मोशी भाई का चैनल लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मोहब्बत करते रहें। और ऐसे जो भाई हैं, क्या बेच रहे हो? ये क्या है? लाइट पैनल है। और लाइट पैनल सेल कर रहे हो? नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा ऐसे भाइयों से भी प्यार करते रहें। साइनिंग ऑफ।